कोरोनाकाल में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 28,000 करोड़ रुपए से अधिक निधि दी गई, लेकिन इस सरकार ने उसका सही उपयोग नहीं किया और कोरोना संबंधित खर्च खरीदी में भारी भ्रष्टाचार भी किया गया। यह सनसनीखेज आरोप पूर्व गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल ने प्रेस परिषद में लगाया। उन्होंने मांग की कि कोविड सेंटर में हुए भ्रष्टाचार और अस्पतालों का ऑक्सीजन और फायर ऑडिट होना चाहिए। राज्य सरकार पर कोरोना काल में नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए पाटिल ने कहा कि मविया सरकार केवल भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करती रही। कोविड सेंटर में भारी भ्रष्टाचार हुए, अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों के निर्माण के लिए जो करोड़ों की निधि दी गई उसका सही इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 2 वर्ष राज्य सरकार ने नागरिकों को केवल परेशान करने का काम किया। केंद्र ने राज्य को 28,000 करोड़ रुपए से अधिक निधि दी, लेकिन बावजूद इसके यह मविया सरकार केंद्र पर ही असहयोग करने का आरोप लगाती रहती है। राज्य की यह सरकार खुद कबूल कर चुकी है कि कोरोना काल में जमा हुए 600 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। प्लास्टिक थैली से लेकर पीपी किट, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ। कोविड सेंटर में लगाए गए पंखे की कीमत जितनी थी उतना उसका किराया दिया गया। आपदा निवारण निधि से केंद्र ने राज्य सरकार को 2000 करोड़ की निधि दी, उस निधि का हिसाब राज्य सरकार जनता को दे। आणि म्हणून या कोरोनाची संधी करत त्यांनी प्रत्येक बाबतीत आपल्या कामामध्ये गलथानपणा, वेळ काढूपणा, ढिसाळपणा, भ्रष्टाचार या सगळ्यांचा प्रत्यय दिला। तो त्या बाबतीमध्ये आपल्या राज्याचं काम पूर्ण देशामध्ये कुठतरी असं दिसत होतं की कोरोनाबाबतच्या लढ्यामध्ये एकतर राज्याला कडे लोटाच्या खाईत लोटून सर्वात अपयशी राज्य म्हणून या देशामध्ये आपल्या राज्याला ख्याती प्राप्त जर करून दिली असेल तर ते या कोरोनाच्या लढाईत या महाविकास आघाडी एरवी महाराष्ट्राचं नाव इतकं प्रगल्भ आणि प्रगत राज्य म्हणून आणि नवीन योजना काढून त्या कार्यान्वित कशा करता येतील यासाठी आपल्या राज्याची प्रतिमा होती। केंद्राची मदत जर मिळाली नसती, रसद मिळाली नसती, तर ह्या राज्याच्या महाविकास आघाडीनी केवळ ज्याला ठाकरे सरकार म्हणतो आपण ती घर कोंबड्यासारखी कोमट पाणी पिऊन केविलवाणीप्रमाणे आजपर्यंत झुंज देत राहिली असती। कारण केंद्राचा जर आपण हिस्सा पाहिला मदतीचा तर याच्यामध्ये या पूर्ण लढाईमध्ये 90% मदत, मग ती थेट मदत असेल, मग ती रोख मदत असेल, ती अप्रत्यक्ष मदत असेल, ही थेट केंद्राकडून आलेली आहे। राज्य में होने वाले महानगरपालिका चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की वकालत करते हुए पाटिल ने कहा कि कोरोना संकट में चुनाव को आगे बढ़ाना ही उचित होगा। मनपा चुनाव की तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान संजय भेंडे, गिरीश व्यास, चंदन गोस्वामी उपस्थित थे। जर एखादी निवडणूक पुढे ढकलली जात असेल आणि ती जुनाईन रिजनने ढकलली जात असेल तर माझं आणि माझ्या पक्षाचं कोणाचंही त्याच्यामध्ये काही ऑब्जेक्शन असण्याचं कारण नाही। शेवटी माणसाच्या लाईफचा आणि हेल्थचा इंटरेस्ट पहिले येतो, निवडणुका नंतर येतात। अशा पद्धतीने जर त्यावेळची परिस्थिती, कारण आता निवडणुका बहुतेक त्यांचा कार्यकाळ हा फेब्रुवारीपर्यंत आहे आणि फेब्रुवारीपर्यंत आपण आणि कोणीच असं प्रेडिक्ट करू शकत नाही की तिसऱ्या वेव्हचंसुद्धा काय होईल। आणि म्हणून मी ह्या बाबतीत माझे रिझर्वेशन्स आहेत, आजच मी काही बोलणं त्याच्या बाबतीत योग्य नाही आहे। पण प्रायोरिटी ही हेल्थला आहे, प्रायोरिटी ही जर तिसरी वेव येत असेल तर आपल्या सगळ्या समाजाच्या हिताला जे अनुसरून असेल तो निर्णय होईल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।